रहो महारानी। बोली स्वामी जी किस लिए याद किए स्वामी जी? महारानी इस वक्त में जो तुम्हें याद किया हो, मैं यहाँ से शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ। क्या आप शिकार करने के लिए जंगल जा रहे हैं? हाँ महारानी। लेकिन स्वामी जी आप ही मत जाइए स्वामी जी। क्यों महारानी? देखिए स्वामी जी ना जाने मैं एक पुत्र की आप जन्म देने वाली हूँ। अरे महारानी उसी खुशी में तुम्हें आज शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ जंगल की ओर। महारानी हाँ, तुम्हें ये सोच रहा है कि तुम्हें देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी इस महल में हमारे अलावा छह छह महारानियां हैं, नौरी बाने नौकर चाकर सभी सदस्य हैं तुम्हें देखभाल करने के लिए। लेकिन महारानी उससे भी यदि नहीं होगा तो जाने से पहले मैं अपने दरबार में पगली घंटी टांग कर जा रहा हूँ। हाँ जैसे ही इस महल में कोई बाल गोपाल का जन्म होगा महारानी इस पगली घंटी में तीन चोट लगा देना, मैं दुनिया के किसी कोने में शिकार खेलूंगा, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा महारानी। ठीक है स्वामी जी। जा महारानी इस वक्त तुम धीरे धीरे अपने भवन की ओर, मैं चलता हूँ यहाँ से जंगल की ओर। हे यजुदी नहीं हे से भी आदेश ले चुका हूं। अब मैं चलता हूं यहां से शिकार खेलने के लिए सुंदर वन जंगल की ओर। हे अपना जूती ना बातें कर रहा था और बीच में मेरे स्वामी जी आगे डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं वही बात पूछने वाली हूँ महामंत्री से। महामंत्री जी महारानी जी आओ इधर बोलिए महारानी जी। उस टाइम जब मैं तुम और हम बातें कर रहे थे जी बीच में मेरे स्वामी जी आ गए। हाँ उस समय आ गए थे। तकलीफ हो गया बिल्कुल। अब तुम क्या बातें बोल रहा था अब बताओ तुम मुझे। बात यही बोल रहे थे महारानी जी। हाँ अगर इस राज का आप राजमाता कहलाना चाहते हैं हाँ तो अभी छोटी महारानी गर्भवती है। गर्भवती है हाँ। कुछ दिन में बाल बच्चे बाल गोपाल होने वाला है। माँ बनने वाली है। कुछ माँ बनने वाली है। अगर माँ बन जाएगी हाँ
वो राजमाता कहलाएंगे और आप जो है नौकरानी कहलाएंगे। वो कैसे? हाँ? उसके पास बाल गोपाल हो जाएगा, लड़का हो या लड़की जो भी हो जाए। हाँ? वह इस महल का, इस राज का राजमाता कहलाएंगे। अगर आप कहलाना चाहते हैं तो हाँ? मेरे बातों के ऊपर चलना होगा। ओ, यानी कि तुम्हारी बातों पे चलना। हाँ, मेरे बातों पे। ठीक है महामंत्री, तुम बताने की यात्रा करो। ये कुछ दिन के बाद छोटी महारानी को बाल गोपाल जैसे होगा, उससे पहले क्या करना है? क्या करना है? इस राज का जो नियम है महारानी जी, आप भी नहीं जानते हैं। मैं नहीं जानती हूँ। उसका जो है सर चूल्हे में दे देना। हाँ, प्रसव होने से पहले। प्रसव होने से पहले, प्रसव का दर्द जैसे जगेगा महारानी के पेट में, आप जो है वो नियम उसको बता दीजिएगा। 7 डोबर उनके आंख में पट्टी बांध दीजिएगा। हाँ। दोनों पैर जो है कोठी में दे दीजिएगा। हाँ। बस प्रसव जैसे होगा। हाँ। लड़का हो या लड़की जो भी हो। हाँ। वो उस समय बेहोश हो जाएगा। बेहोश हो जाएंगे। डागरिन के माध्यम से। हाँ। उस लड़का या लड़की को जो भी है। हाँ। उसे हटा देना है वहाँ से। हाँ। वहाँ ईटा पत्थर रख देना। एक के बार मारेंगे छक्का। बस छक्का सेट मर, आप छक्का मरेगा, हम चौका मरेंगे। हाँ। बस महामंत्री। हाँ। महामंत्री आंखों में इसलिए पट्टी बांधूंगी उसे। हाँ। ताकि वो हरमचादी की उसके कोख से क्या जलमा नहीं जलमा वो देख नहीं पाए। कोठी में सर इसलिए दूंगी। हाँ। ताकि उस हरमचादी उस बच्ची का बाद उसके कानों तक न पहुंचे। सर को पैर वाला भाग चूल्हे में इसलिए दूंगी ताकि उस हरमचादी रंडी बेसिया को प्रसव होने पर पूरा कष्ट हो। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह करना है ना? इसी तरह करना है। ठीक है, छोटी महारानी के महल से आवाज आ रही है। हाँ, जाइए। मैं जा रही हूँ उसके पास। उसके ज्यादा कीजिए, इसीलिए लगी रहूंगी तब ना मारेंगे। यहाँ से आगे भगा दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। राजा सोना सिंह, क्या आप समझ लिए? प्रतिशोध का बदला में प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आप ना जाने मेरे पर हजारों कोड़ बरसाए हैं, इसका बदला अवश्य मैं लूंगा। आप क्या सोचे 7वां शादी करने के बाद पुत्र का दर्शन होगा? नहीं, मैं पुत्र का दर्शन कदापि नहीं होने दूंगा। ये महारानी जी के, बड़ी महारानी के बातों, अपने बातों में उसे घुमाकर सारे बात तय कर चुका हूं। अब जो है यहाँ जो भी काम होगा विपरीत होगा और कयामत इस महल में कयामत खड़ा कर दूंगा। अब मैं चलता हूं यहां से महल की ओर। छोटी महारानी और बड़ी महारानी का क्या आदेश होगा उसका, उस आदेश का पालन अवश्य करूंगा। आइए दूसरे सिंह को चलिए। आइए छोटी महारानी आलोचिए। हे